नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्रेनर की तरह पेश आए। हजारों लोगों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरे और महज एक मिनट में 90,000 स्क्वायर मीटर में बने पूरे पंडाल को माप दिया। प्रधानमंत्री ने योग के लिए पहुंचे विभिन्न वर्गों के योग साधकों से मुलाकात की। मोदी ने समारोह स्थल पर मौजूद दिव्यांगों, व्हीलचेयर पर बैठकर योग कर रहे पूर्व सैनिकों के जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती है। 400 करोड़ के वाटर टैंकर घोटाले में एसीबी दोनों से पूछताछ कर सकती है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन जिन शिकायतों पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें केजरीवाल और शीला दीक्षित दोनों का नाम है। जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थी, इसलिए वह शक के दायरे में है। हाल ही में उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले में एसीबी जांच के आदेश दिए थे। पांडिचेरी में मुख्यमंत्री नारायण सामी और नवनियुक्त राज्यपाल किरण बेदी के बीच का मनमुटाव मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रत्यक्ष देखने को मिला। बेदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में न सीएम पहुंचे और न ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री। बताया जा रहा है कि राज्यपाल के कार्यक्रम को छोड़ सीएम और मंत्री एक अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए, इससे सरकार और राज्यपाल के बीच का मनमुटाव साफ जाहिर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्य सरकार के मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों पर योग किया। भोपाल में जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस प्रोग्राम में सांसद आलोक संजर, मुख्य सचिव एंटोनी डीसा, विधायक रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव एमआर मोहंती ने भी उनके साथ योग किया। सलमान खान के एक कथित बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अपकमिंग मूवी सुल्तान की शूटिंग के दौरान जब वे रिंग से बाहर निकलते थे तो उन्हें रेप का शिकार हुई महिला की तरह महसूस होता था, क्योंकि वे सीधे नहीं चल पाते थे। उनके इस बयान का उन्हीं के फैंस सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। बता दें कि यह मूवी ईद पर रिलीज हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। अच्छा सुनो, बुआ पैसे दे तो रख मत लेना, ओके? गुल्लक अपने दिल छुट्टी करो, छुट्टी की झिकझिक करो। झिकझिक क्यों? पेटीएम करो। माइल्स में तुम थोड़ी सी स्माइल भरो। पेटीएम कर रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले रहा हूँ। क्या करो, मस्ती की टंकी फुल करो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो।